हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन चेक इन प्लेलिस्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। रवि पेज ₹2,800 फॉर अ फैन लिस्टेड एट ₹4,000। देर वर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफर्ड ऑन द फैन। इफ वन ऑफ देम इज 20%, फाइंड द अदर डिस्काउंट परसेंट। जो फर्स्ट डिस्काउंट रेट है दैट इज 20%, और जो लिस्टेड प्राइस मीन्स जो मार्क्ड प्राइस है वो 4,000, और रवि ने जो पे किया है वो कितना किया है, 2,800। तो पहले हम क्या करते हैं, जो डिस्काउंट रेट है फर्स्ट वाली, उसके बाद देखते हैं कि प्राइस क्या होगा, उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डिस्काउंट रेट सेकेंड क्या होगी। तो इसके लिए देखते हैं डिस्काउंट ये फर्स्ट कर लेते हैं, कि फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू 20% है ये। तो आप इसमें दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो कि जो हमारे पास एमआरपी है वो इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। इससे आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। और हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, 20% ऑफ एमआरपी वो कर देंगे, दोनों से आ जाएगा, ठीक है। 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 4,000। हमने क्या किया है, डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 इंटू एमआरपी, ये वाला फॉर्मूला लिया इसमें। तो डिस्काउंट आ जाएगा 20, ये 5 देन 5 8 जा। ओके, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आया, 800। यानी हमारे पास कॉस्ट क्या आई, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, विल बी इक्वल टू 4,000 माइनस 800, दैट इज इक्वल टू ₹3,200। अब जो ये प्राइस है इसके ऊपर जो दूसरे डिस्काउंट रेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि कितने का डिफरेंस है, डिस्काउंट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो पे किया है वो कितना है हमारे पास, 2,800। तो यहां से डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्काउंट सेकेंड है ये, सो सेकेंड डिस्काउंट इक्वल टू 3,200 माइनस 2,800। ओके, ये प्राइस था पहले, और उसके सेकेंड डिस्काउंट के बाद कितने में मिला है वो, 2,800, दैट इज ₹400। ₹400 डिस्काउंट मिला है। हमें रेट फाइंड आउट करना है, सो रेट के लिए डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय जो रेट, जो हमारे पास प्राइस है ये वाला, यानी एमआरपी कितना होगा, इनटू 100, ये वाला। ओके, सो 400 डिवाइड बाय 3,200 इनटू 100, ये कैंसिल किया तो 8 पे गए, ये 8 से करते हैं, 4 2 8 25 4 100, दैट इज इक्वल टू 25/2 इक्वल टू 12.5%। दिस इज आर आंसर। ये हमारे पास सेकेंड डिस्काउंट रेट है। फर्स्ट हमें गिवन थी, हमने क्या किया, जो फर्स्ट डिस्काउंट रेट गिवन थी उससे हमने डिस्काउंट निकाला और प्राइस देख लिया कि उसके बाद प्राइस क्या होगा, 3,200। उसके बाद ये देखा कि जो डिस्काउंट मिला है वो कितने रुपीज का है, क्योंकि हमें ये पता था कि डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या है, 2,800। सो उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, यह है 400। 400 डिस्काउंट हमें कितने के ऊपर मिला था, 3,200 पे, तो वो हमने लिया इनटू 100। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ सीलिंग फैन हुज सेलिंग प्राइस इज ₹1,550 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹310 ऑन इट्स एमआरपी मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, डिस्काउंट हमें गिवन है, एमआरपी पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद
डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करेंगे। तो एमआरपी हमारे पास क्या होगा, देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कैसे आता है, जो एमआरपी है डिस्काउंट हमें गिवन है तो उसमें से माइनस हम डिस्काउंट कर देते हैं। ओके, ये है हमारे पास 1550 इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट 310। तो यहां से एमआरपी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1550, ये इधर माइनस है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो गया ये। सो एमआरपी इक्वल टू 1860 रुपीज। ओके, ये एमआरपी आ गया। डिस्काउंट रेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो डिस्काउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय एमआरपी इनटू 100, दैट विल बी इक्वल टू, इधर कर देती हूँ मैं, 310 डिवाइड बाय 1860 इनटू 100, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 0, दैट इज इक्वल टू 50/3, 3 1 3 3 6 देन अगेन 6 6 6, ये रिपीट हो गया ऐसे, तो इसको हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 16.6, ये मोर देन 4 है तो ये 7 हो जाएगा परसेंट, 16.67% डिस्काउंट रेट। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।